हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में नया अध्याय शुरुआत करेंगे। पिछले अध्याय में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाया था, फर्स्ट पोर्शन था आपका। आज हम सेकेंड का भी पोर्शन थोड़ा लेंगे, जिसमें हीरोन फार्मूले के बारे में हम आपको बताएंगे कि हीरोन फार्मूले के द्वारा त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। उसके साथ साथ अन्य फार्मूले भी आपको हम बताएंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल है, परिमाप है, विकर्ण है, या वर्ग का क्षेत्रफल है, परिमाप है, विकर्ण है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, या समलंब चतुर्भुज हो, या समबाहु त्रिभुज हो। यानी आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो हैं उनसे संबंधित फार्मूले बताएंगे और फिर उन पर आधारित आपको सूत्र, क्योंकि इसमें तो आपको हीरोन फार्मूले का ही प्रयोग करना है, लेकिन फार्मूले आपको ये भी यूज करने पड़ते हैं जो आपको अगर हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब ये सारे फार्मूले अपने नोट्स बुक में अवश्य उतार लें। नोट करते समय में आप ध्यान रखेंगे, मैं इसीलिए एक साइड में हो गया हूँ, आप वीडियो को रोक करके ये सारे फार्मूले जितने भी दिए गए हैं अपने नोट्स बुक में उतार लें, क्योंकि ये वीडियो जो आपको बनाया जा रहा है हीरोन फार्मूले से संबंधित है। लेकिन फिर भी हमने आपको आयत, वर्ग, त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या आपका समलंब है या समांतर है या समचतुर्भुज है, इनसे संबंधित भी हमने फार्मूले आपके लिख दिए हैं। फिर लास्ट में हमने देखेगा जो टॉपिक का हमें अध्ययन करना है, लास्ट में मैंने डाल दिया है हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसमें क्या क्या हमें करना होता है। तो देखिएगा, पहला फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल, सभी को पता है, छोटी क्लासों में पढ़े हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। फिर इसके बाद वर्ग, देखिएगा पॉइंट वाइज हमने दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या आप कह सकते हैं भुजा को ए मान लें तो ए स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। वर्ग का परिमाप 4a² समझ गए, यहाँ पर चार, यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप आप निकालते हैं तो वर्ग के परिमाप में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित आपका स्क्वायर लग गया है, तो यहाँ स्क्वायर मत रखना, क्योंकि जब हमने पढ़ा तब हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर स्क्वायर लग गया है, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 × भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण देखिएगा a√2 या √2 × भुजा आप कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × भुजा, जैसे परिमाप में चाहे 4 × भुजा वैसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, या आप भुजा पहले लिख दें, इनटू का चिन्ह लगा दें और √2 यहाँ पर आप डाल दें। ठीक, अगला देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 × आधार / ऊंचाई, ऐसे आधार एक और बराबर हो जाओ वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला थोड़ा सा आपको नया मिलेगा। ये देखिएगा आपका दिया है भुजा, आपका आधार ए दिया है, देखिएगा आधार ए और बराबर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज, बराबर भुजा है, आप जो है उनको हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं ये और बराबर भुजा हो बी वाई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी ध्यान रखना गया है, यानी आधार ए और बराबर भुजाओं बी वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4√2 − a² इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। फिर भुजा ए वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a² ऐसे आधार बी और शीर्ष लंब एच वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b × h, समझ गए। इन फार्मूलों को आपको अपने नोट्स बुक में बनाना है। अब देखिए b1 और d2 विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, विकर्ण का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है उसका फार्मूला आपको बताया गया है कि 1/2 × दोनों विकर्णों का गुणनफल, या हम ये लिख सकते हैं 1/2 × d1 × d2,
यानी डी वन और डी टू उस समचतुर्भुज के क्या है, बीकर। अगला सूत्र देखिए, समांतर भुजाओं ए और बी तथा इन समांतर भुजाओं के बीच एच दूरी वाले समलंब का क्षेत्र, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, यानी ए प्लस बी इंटू एच, यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब सातवां जो फार्मूला आपका दिया है, भुजा ए वाले समखंडभुज का क्षेत्रफल, समखंडभुज कहा गया है तो यहाँ पर देखिएगा हम त्रिभुज बना लेंगे उसमें, तो जो भी त्रिभुज उसके अंतर्गत बनेंगे वो संभाव त्रिभुज बनेंगे, छः हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे छः गुणे संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए संभाव त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया है, अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, 6 और 4 देखिएगा 2 से आप डिवाइड हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका है समत्रिभुज का क्षेत्र। अब बात आई जो आपको पढ़ाना जाना है कि देखिएगा हीरोन फार्मूला क्या है, कोई भी त्रिभुज हो वो चाहे संभाव हो समद्विभाव हो या विषमभाव हो, कोई भी आपका त्रिभुज है सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका इससे निकाला जा सकता है, इसीलिए इसका नाम हीरोन फार्मूला दिया गया है। देखिएगा हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में त्रिभुज का पहले अर्ध परिमाप निकालो, इसका परिमाप जो होता है 2s = a + b + c, यानी 2s = तीनों भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप s = a + b + c/2 हो जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s - a (s - b) (s - c), यानी सभी भुजाओं को अर्ध परिमाप से घटाइए, फिर अर्ध परिमाप तो आपका रहेगा ही बाहर, जो अंतर आएगा इन सभी का गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दो, यही आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्र हो जाएगा, ये हीरोन फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये सारे फार्मूले अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा, इसके बाद देखिएगा हम आपको एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज में देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस फार्मूले के बाद आपकी एक्सरसाइज जो है 12A हीरोन फार्मूले की एक्सरसाइज देखिएगा, इसमें पहली एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन हम दो ही केवल लिए हैं, इन्हीं पर आधारित आपकी संपूर्ण एक्सरसाइज है, कैसे सॉल्व करना है केवल हमें समझाना है। आप अपनी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे जिनको आपको जिस तरीके से हमने दो प्रकार के लिए हैं, एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन ले लिया है, एक अनुपात वाला क्वेश्चन ले लिया है, फिर देखते हैं हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो आपके जो शेष क्वेश्चंस होंगे उनको भी अपने आप हल करेंगे, जैसे यहाँ पर हम बताएंगे हल तो वैसे ही करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के तरीके एक ही होंगे, हीरोन फार्मूले से निकालना है तो क्वेश्चन चाहे जैसा हो आपको वही फार्मूले दो प्रयोग करने होंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसकी टेंशन आपको लेने की नहीं ज़रूरत है, फार्मूले आपके तैयार हो, सारी चीज़ें ओके हो, तो क्वेश्चन कोई भी हो आप पढ़ करके समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ करके समझ आ गया है तो ये फार्मूला लगेगा, इसको इस तरीके से हल करना है, सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। तो देखिएगा एक्सरसाइज पहले में एक क्वेश्चन हमने लिया है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी, इसके पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखें लिखा हुआ है, यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, आप जब देखेंगे तो आपकी आकृति आपके बुक में बना होगा, हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, वो फिसल पट्टी तो आप जानते हैं कैसे बनाई जाती है, फिसल पट्टी बनाने में आपको मालूम भी होना चाहिए भाई फिसल पट्टी तो ऐसे ही बनेगी, मान लो इसी तरफ आप कर दीजिएगा फिसल पट्टी, चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, ये आपके आधार है, तीन भुजाएं आपकी हो जाएंगी, तो ये जो भाग खाली आपका है इस भाग में आपका जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि हरा भरा और साफ, यानी पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, इस पार्क में आपका लिखा हुआ है,
आपका जो विमाएं दी गई है, मान लो ये आपकी 15 मीटर है, ये आपका दे दिया गया है 11 मीटर है, या इधर आप ले लो 15 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप ले सकते हो, ये ले लो 15 मीटर, ये 11 मीटर और ये 6, इस प्रकार से बन गया। तो देखते हैं हम ये कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ओ भी त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला तो हमने बताया नहीं था, तो हेगल फार्मूले से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि त्रिभुजाकार दीवार की पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजा का दीवार की पहली भुजा, आप ए से सिंबल इसका ए दे दीजिएगा, ए इज इक्वल टू कोई भी ले लो, 15 मीटर ले सकते हो। ऐसे ही दूसरी भुजा, इसको आप बी से सिंबल दे दें, 11 मीटर हो जाएगा। फिर इसकी तीसरी भुजा भी आप ले लें, तो तीसरी भुजा सिंबल सी दे दीजिएगा, 6। ये आप इतना कार्य कर लीजिए, ठीक, सबसे पहले यही कार्य कर लो। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो आपका ये पार्क बना हुआ है, तो पार्क का क्या हम निकालेंगे, अर्थ त्रिभुजाकार पार्क लिख लो चाहे, यहाँ दीवार की जगह पर आप क्या ले सकते हो, त्रिभुजाकार पार्क की पहली भुजा, त्रिभुजाकार पार्क की पहली भुजा, चूंकि पार्क पहले ही उन्होंने कहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकलेंगे पार्क का अर्धफल, पार्क का अर्ध परिमाण, और इसका फार्मूला भी हमने बताया था, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो पहले तो हम यही निकालेंगे, तो देखिएगा ये आपका कितना दिया गया है, ये आपका 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2, जोड़िएगा 5 एक 6 6 12, 1 1 2 और 1 3 बटे 2, कैंसिल कर दो तो यस इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। अब यहाँ पर त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख सकते हो, त्रिभुजा का पार्क का क्षेत्रफल, और फार्मूला आप लगाएंगे हीरोन फार्मूला जो हमने बताया था, यस यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ओके, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, मान इसमें पुट अप कर देंगे, अंडर रूट यस आपका कितना आया देखिएगा, 16 आया है, तो 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। ओके, इधर हम लगाए दे रहे हैं, देखिएगा जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, अंडर रूट क्या बचेगा, ये 16 तो रहेगा ही, इंटू यहाँ पर 16 से 15 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1, फिर 16 से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 11 5 16 होता है, फिर 16 से 6 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10। अब इनके टुकड़े कर लो भाई, 4 × 4 × 5 × 5 × 5 × 10, देखिएगा ये जोड़ा आपका बन रहा है, तो ये 4 × 5 × √2, चूंकि 2 आपका सिंगल है, यहाँ पर देखते हैं 4 × 4 = 16, ये 5 हमने ऐसे उतार लिया, 10 के दो टुकड़े कर दिए, 5 × 10, तो यहाँ पर 4 का और 5 का तो जोड़ा बनना है, लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा है, तो इसमें से वर्गमूल जब निकालेंगे 1 4 बाहर आएगा, यहाँ पर हम जो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल सकता है,
इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 को 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर, यानी उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा जो आपसे पूछा गया है कि तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल नीचे आप लिख देंगे। अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल होगा बराबर 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके हैं वही भी क्वेश्चन आपका दिया हो, भुजाएं 3 दी हुई हैं, हमको कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीजों को तो आप भली बात समझ ही लीजिए। हम सबसे पहले देखेगा पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमने देखा तो यहाँ पर हमने लिख दिया त्रिभुजाकार पार्क की पहली भुजा क्या है, दूसरी भुजा क्या है और तीसरी भुजा क्या है। ये लिखने के बाद हमने पार्क का अर्ध परिमाप निकाला, हमने कहा त्रिभुजाकार पार्क है तो उसका अर्ध परिमाप s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से हमने s का मान निकाल लिया जो आपका कितना आया देखिएगा 16 आया, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 यही आपकी भुजाएं भी दी है 15 11 6। अब जब इसको जोड़ा गया तो 32 बाई 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया 16 आ गया। अब s भी हमें पता है, a b c भी हमें पता है तो हमने हीरोन फार्मूले का प्रयोग किया त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। रूट s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, इस फार्मूले से हमने क्या किया सारे मान इस फार्मूले में पुटअप किया और इसके बाद इसको हल किया। हल करने के बाद हमने जिसका वर्गमूल बाहर आ रहा था उसका हमने वर्गमूल बाहर निकाल लिया, जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा था उसका वर्गमूल हमने रूट के अंदर ही छोड़ दिया चूँकि इसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। या तो हम रूट टू का मान डाल दें 1.414 करके हम डाल सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन हम इतने पर ही छोड़ दिए और आंसर में हम लिख देंगे अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल होगा इज इक्वल टू 20 × 2 वर्ग मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हमने बता दिया है। आप इस प्रश्नावली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, अपने आप देखेगा। ये मत देखिए हमारी एक्सरसाइज के सारे सवाल नहीं बताए गए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में होंगे ही होंगे, तो आप देखिएगा और उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो दूसरा क्वेश्चन हमने नोट किया है उस क्वेश्चन के बारे में भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इससे संबंधित भी आप कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको आप समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी देखिएगा क्या है और प्रयास भी करते रहिएगा अपनी कॉपी पर, इनको हल करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, इस समय कम होने पर भी हमारी पढ़ाई अच्छी चलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और उसका परिमाप दिया है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे लिखिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है ये नोट कर लीजिए, 12:17:25। ओके अब देखिए क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप यानी दिया है, त्रिभुज का क्या दिया है परिमाप भी आपको दे दिया है। तो देखिए त्रिभुज के परिमाप से हमें क्या हल करना है, इसमें देख लेते हैं, अर्ध परिमाप तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, त्रिभुज का परिमाप ही दिया है, अर्ध परिमाप नहीं है, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप ये आपका दिया गया है कितना है 540 सेंटीमीटर। देखिएगा हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दिया है आपको यही क्वेश्चन मिल जाए चाहे इससे भिन्न क्वेश्चन मिल जाए या इसी प्रकार का है तो हमें इसे किस प्रकार से साफ करना है।
तो हम सबसे पहले जो अनुपात दिया गया है उस अनुपात से भुजाओं को मान लेंगे, मानने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं त्रिभुज की पहली भुजा ए इज इक्वल टू जितना अनुपात दिया है 12x सेंटीमीटर, चूंकि परिमाप सेंटीमीटर में है। त्रिभुज की दूसरी भुजा यानी बी इज इक्वल टू अनुपात कितना दिया देखिएगा 17 है तो यहाँ 17x हो जाएगा। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं से हम इसका परिमाप निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। जैसे हम बता रहे हैं त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है और यहाँ पर कितना है देखो 12x प्लस 17x प्लस 25x, क्योंकि हमने बताया था त्रिभुज के परिमाप निकालना हो तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब इन सबको जोड़ लो 2, 7, 2, 9, 9, 5, 14 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5 एक्स सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का परिमाप और दिए गए त्रिभुज का परिमाप है तो ये कहीं त्रिभुज का दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ पर आप लिख सकते हो चाहे रचनानुसार कर दो, रचनानुसार करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो 54x इज इक्वल टू 540 तो x इज इक्वल टू 540 बटे 54 यानी कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब हमें x का मान मालूम हुआ है तो हम इस x के मान को यहाँ पर क्रम से पुट अप करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिलेंगी। तो फिर लिखोगे त्रिभुज की पहली भुजा देखिएगा आपने क्या किया था 12x और x का मान क्या आया है 10 तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की दूसरी भुजा ये आपका हो जाएगा 17x आपने माना था तो यहाँ पर देखिए 17 × 10 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर तीसरी भुजा आपने 25x माना था तो x के स्थान पर कितना डालेंगे 10 डालेंगे तो 25 × 10 ये आपका हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब यहीं पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी निकालेंगे क्योंकि आपको परिमाप दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s इज इक्वल टू परिमाप कितना दिया है 540 अर्ध माने आधा होता है इसका आधा कर दो तो 2 × 4 एक बढ़ गया 274 यानी 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप मालूम हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र अभी हमने आपको बताया था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मान डाल दीजिएगा तो देखिएगा एस कितना आया था आपका 270 इंटू 270 माइनस पहली भुजा क्या थी 120 फिर 270 माइनस दूसरी भुजा क्या थी 170 और फिर 270 माइनस अगली भुजा क्या थी 250। ओके इसको आप घटा लीजिएगा देखिएगा 270 इंटू ये तो जीरो रहेगा ही, 7 में से 2 गए कितना बचेगा 5 और 2 में से 1 गया 1 बात समझ गए इंटू यहाँ पर देखिए जीरो रहेगा
सात से सात दिया जीरो और यहाँ पर कितना बचेगा इनटू यहाँ पर देखो 270 है यहाँ 250 से घटाएंगे कितना बचेगा 20। अब हमें ये देखना है इसके हम फैक्टर करेंगे थोड़ा सा फैक्टर करने में देखिएगा आपको मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ 27 है तो 3 × 9 = 27 बुढ़े 10 बात समझ मांगे यहाँ पर देखो 3 × 15 = 10 और 100 का कर दो 10 × 10 और यहाँ पर देखिएगा 2 × 10 भी हो सकता है 1, 2, 3, 4 हो ही गया है तो हम 10 में इसको 2, 3, 4, 5, 20 ऐसा करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जोड़ा बनना नहीं बनना 1, 2, 3, 4 दो ही बार है तो 3 आपके कितने आ जाएंगे 2 बाहर आएंगे 10 कितने आएंगे 2 आएंगे और 2 कितनी बार आएगा 1 बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा 1 बार क्योंकि 5 के भी 2 ही है और 2 के भी 2 ही। अब इनका गुणा कर दीजिएगा 3 × 9 9 × 18 = 90 और 2 0 ये भी तो है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए अनुपात से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो पहले अनुपात दिया है अनुपात और परिमाप जो दिए हैं अनुपात से पहले भुजायमान फिर जो आपका भुजायमान ही नहीं है इसका जो है परिमाप निकालो ये परिमाप देंगे परिमाप के बराबर रखो तो x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू को पुनः यहाँ पर पुट अप करिए तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखिएगा भुजाएं तीनों मिल जाएंगी और फिर इस अनुपात से जो दिया है इससे आप अर्ध परिमाप निकाल दो तो 270 आ गया। अब हमको तीनों भुजाएं और अर्ध परिमाप मालूम हो गया तो हम चतुर्भुज का क्या निकाल देंगे क्षेत्रफल निकाल देंगे। और इस प्रकार से कैलकुलेशन करते समय में आपको ध्यान रखना है कि हम बहुत लंबे कैलकुलेशन में ना जाए 270 हमारा था सीधे हमने 3 × 9 = 27 दाम 270 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 150 है 3 × 15 दाम 150 हमने कर लिया 100 को हमने क्या किया 10 दाम 100 अब हमने 10 को देख लिया 1, 2, 3, 4 बार हो गए नहीं यहाँ पर भी हम 2 × 10 कर देते लेकिन 2 × 10 नहीं किया क्योंकि फिर सिंगल 10 बचता बाद में खंड करना पड़ता तो हमने इसको कर दिया 2 × 4 = 20 और 2 का जोड़ा बना करके हमने सारे अंक बाहर निकाल लिए गुणा कर दिया तो इस उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है क्या क्या करना है इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल विधिवत तैयार रखिएगा और ये मत सोचिएगा कि सवाल सारे एक्सरसाइज के नहीं दिए गए इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में उनको लगाइएगा जो नहीं लगेंगे उनको हम आपको पुनः बताएंगे ओके।